हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। संजीव फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत 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 स्वागत है। अब मैं आया हुआ था, छत पर आया हुआ था और छत पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अब चेंज हो गया मौसम, थोड़ा सा समर्स आने वाले हैं तो इसलिए चारों तरफ बौर खिल गए हैं आम के। और नीचे मैं आपको दिखाऊँगा, फ्लावर्स हमारे काफ़ी अच्छे हुए हैं गमलों में। ओके, आप पहले सबसे पहले ये देखिए, पहले भी मैंने शायद आपको ये आम का पेड़ दिखाया था, तो हमारे एरिया में तो आम पर बौर आने शुरू हो गए हैं। सब जगह नॉर्थ इंडिया में सभी जगह बौर आने शुरू हो गए होंगे। इस बार लग रहा है जल्दी आ रहे हैं, लगभग मार्च के टाइम पे, मुझे पता नहीं, शायद मार्च के टाइम पे आ जाते होंगे। हाँ, ये देखिए, ये बौर आने शुरू हो गए हैं। ये हमारे आसपास का एरिया है। अब मैं नीचे जाके लेता हूँ बच्चों की खबर, क्या क्या कर रहे हैं वो। मम्मी एज यूजुअल मुझे लगता है खाना ही बना रही होंगी, और बच्चे जो अन्वेषा है वो टीवी में लगी हुई होगी या मोबाइल में ही लगी हुई होगी। उसका रोज का यही काम है, जब आयन को पढ़ाने लग जाओ तो वो सोचती है मैं तो फ्री हो गई, अब तो मैं जैसे खेलती रहती है, मस्ती करती हूँ, तो बस मस्ती करने का उसका मतलब है मोबाइल पकड़ लेगी। टीवी तो अब बच्चों के लिए रेयर हो गया, पर आज शायद वो टीवी देख रही है, मुझे लग रहा है। तो टीवी देख रही होगी, तो नीचे का जायजा लेते हैं हम, क्या क्या हो रहा है नीचे, देखते हैं चल के नीचे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे किचन में, और ये हमारी मम्मी है, एज यूजुअल किचन में ही रहती है। आपको भी दिखता होगा, जब किचन में होती है तभी मैं लेता हूँ, पर ये किचन में ही रहती है ज्यादातर, क्योंकि ऐसा है जो बच्चों की मम्मा है तो वो तो लगी रहती हैं। बच्चों की पेपर चल रहे हैं, अब पेपर स्टार्ट हो गए हैं उनके, शायद आयन के कल से स्टार्ट हो गए हैं और अन्वेषा के परसों से स्टार्ट हो जाएंगे मेरी बेटी के। उन्हें पढ़ाती रहती है, उनको पढ़ाती रहती है। मम्मी कमजोर हो गई, खाना बना बना के आप क्या करें, बहुत टाइम से, अब ओल्ड एज भी हो गई। पर चलो, नहीं, औरों को आपने देखा होगा बहुत भाई, बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, पर पता नहीं मम्मी कैसे कमजोर हो रही है, होती जा रही है। ये देखिए, इन्होंने खाना बना लिया, आई थिंक क्या क्या बनाया भाई, बना लिया है साबुत उड़द बनाए हैं। हाँ, साबुत उड़द बनाए, दिखा दो आप साबुत उड़द। साबुत उड़द है इनके, ये बहुत बढ़िया बनाती है, बिल्कुल टेस्टी, मजा आ जाता है खाने में। और संजीव ने तो खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है रीना। मम्मी गाना बहुत अच्छा गाती है और ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती है। किसी दिन आप दोनों चीजें दिखाएंगे, आपको ड्राइंग भी दिखाएंगे इनकी, और खाना तो बनाती है आपको पता ही है, ड्राइंग भी दिखाएंगे और गाना भी दिखाएंगे, खाना गाना ड्राइंग। चलो उधर का जायजा लेते हैं, और बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चा पार्टी क्या कर रही है। एक बच्चा तो पकड़ा गया भाई, ये पकड़ा गया, ये देख रहा है हमारा छोटा सा बच्चा, हमारा बच्चा छोटा सा, ये देख रहा है टीवी, टीवी देख रहा है, ये टीवी देख रहा है। अरे हाय हेलो तो कर दिया करो तुम, हेलो, कुछ बात कर लो। मैं टीवी देख रही, बोलो बोलो कुछ बोलो। कहा देख लो, टीवी में, टीवी में। यच ये उच को माल लाया, अरे मेरा तो ये बचा लाया भालू। अच्छा, बियर उसको बचा रहा है। ओके, बियर ट्राई टू सेव क्रोकोडाइल। ओके, नाइस नाइस नाइस। चलो आप वो तो क्रोकोडाइल वो बचा रहा है, क्रोकोडाइल खा रहा है और वो बचा रहा है, बियर बचा रहा है। ओह माय गॉड, ये तो नीचे गिरने वाले हैं। चलो 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 चलो, वहां पर अब देखते हैं दूसरा बच्चा पार्टी क्या कर रही है। हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट दूसरा बच्चा पार्टी, और ये है ये बच्चा पार्टी, ये देखो, ये बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है, ये बड़ा लवली चाइल्ड है, बड़ा लवली चाइल्ड है देखो। और इनकी मम्मा, मम्मा का पता नहीं मुझे भाई लवली है कि नहीं है, इनकी इनकी मम्मा नाराज ना हो जाए। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। हेलो भी बड़ा शर्मा शर्मा गए, ये बेचारी आती जाती रहती है ना, तो इसलिए जॉब पर जाती रहती है, इसलिए कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पाई इतने ज्यादा, तो ये भी हेलो भी अभी शर्मा के ही होता है इनका हेलो। चलो चलो बात करो, थोड़ी सी बात करो, बात कर लो, थोड़ी सी बात कर लो, शर्मानी है। अरे आप तो नहीं शर्माते अब तो है, आप बात कर लो थोड़ी सी। अरे मैं अभी पढ़ाई कर रहा भाई, अभी जाओ। अच्छा भाई, ये पढ़ाई कर रहा है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, अपनी गमले दिखाते हैं आपको। ओके, अपने गमले दिखाते हैं। गमलों में मम्मी ने कल ही गमले लिए हैं, गमले भी लिए हैं और फ्लावर्स भी लिए हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। ये देखो, थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू होगा आई थिंक, बट ये है, ये आपको शायद पसंद आए, ये है, शायद इसे गोदावरी बोलता है, ये भी आपको शायद दिख रहे होंगे। अब एक नए पार्क में आ गए हम। ये भी हेलो कर रही है, कर दो हेलो। हम कल वहाँ पर
गए थे नदी में, लेक लेक हाँ लेक लेक भी थे यार। मैं नहीं आ पाता हूँ कैमरे में, या ये नहीं आ पाती है कैमरे में। चलो चलो बोलो, बताओ आप बताओ, मैं आऊँ ना आऊँ आप आओ। तो बोलो हेलो, मैं नए पार्क में आ गई हूँ। ये नए पार्क में आ गई है, चलो 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 चलो। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ट्रीज वगैरह बहुत हैं इस पार्क में, बहुत सारे ट्रीज हैं और बड़े पुराने पुराने हैं। मैं भी इवन इस पार्क को नहीं जानता हूँ। ये देखो इसमें झूले भी लगे हैं, बच्चों के लिए झूले भी हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये आई थिंक बरगद का ही पेड़ है। ये देखो कितना ओल्ड ट्री लग रहा है, कितना ओल्ड ट्री लग रहा है ये पूरा। इसके देखिए ये ब्रांचेस वगैरह भी काफ़ी ह्यूज हैं, और ये चारों तरफ से ये भी इसकी जड़ें जो ऊपर की टाइप से होती हैं इसकी रूट्स, वो भी पूरी फैली हुई है इस एरिया में। सबसे ज़्यादा मुझे ये बरगद के पेड़ का सबसे ज़्यादा पसंद आया। देखो इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स इसकी जो नीचे होती हैं उससे भी ज़्यादा ऊपर है। ये देखो इसकी रूट्स कहाँ तक आ गई है। ऊपर से अगर ये नीचे की तरफ हम चलें तो रूट्स आने में ही मुझे लगता है आई थिंक 100 से 150 साल लग जाते हैं। तो बहुत पुराना ट्री है। अगर मैं चारों साइड से दिखाऊं आपको, बहुत ही पुराना ट्री है ये देखो। तो मुझे ऐसी चीज़ें बड़े एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है, जो पुरानी पुरानी चीज़ें हों, ट्रीज हों और ये सारी नेचुरल चीज़ें। ये देखो, और इसका पूरा सर्कल भी है। ये देखो कितना लंबा सर्कल है। आई थिंक अगर मैं, मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में बट नॉलेज कम है इस ट्री के बारे में मैंने, जो बरगद का पेड़ है। तो अभी यहाँ पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही बोलते हैं। तो मैंने किसी बंदे से पता किया कि ये इतना ट्री पुराना है, कितना पुराना है। तो उन्होंने बताया मुझे कि ये 1500 साल पुराना है। इवन मुझे भी मैं भी इमेजिन नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा पुराना है, पर जो आर्कोलॉजी का बंदा था उसी ने ही बताया ये 1500 साल पुराना ट्री है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, उन्हें जनरली पता ही रहता है, बोला कि इवन तब हमारा ये सिटी भी नहीं बसा था जब का ये ट्री है। तो यहाँ पर ऐसी अमेजिंग चीज़ें इंडिया में हर एक जगह मौजूद है, वो उन्हें ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं पहले गांधी पार्क में गया था अपने लोकल एरिया में, तो वहाँ पर मुझे मिला था उसका ट्री, संडल ट्री मिला था, और वो भी संडल ट्री भी काफ़ी 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 पुराना था वो ट्री, और उसकी ब्रांचेस वगैरह भी लोग काट के लगे थे। आजकल साउथ में तो मिलता है इंडिया में संडल ट्री, पर यहाँ पर हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही रेयर होता है। और पता नहीं कैसे मिला। ये देखिए इसको आप देखिए कि इसने ऊपर से आया हुआ है, और ये देखिए नीचे तक जाके, नीचे तक जाके इसकी ये देखिए ये जो रूट्स आ जाती हैं ऊपर हो जाती हैं, 500 साल तो उनको रूट्स हो गई बनने में लगता है। और ये बिल्कुल नीचे भी ज़मीन में आके भी, ये नीचे भी ज़मीन में आके ये बिल्कुल ज़मीन में भी चल रही हैं ये इसके रूट्स। इट्स रियली अमेजिंग।